हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण का एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप आसानी से कर पाएंगे और आपको उसे लाभ भी होगा। दोस्तों रात्रि का एक ऐसा समय भी होता है जिस टाइम पर अगर आप कोई भी मनोकामना जो आपकी है पूर्ण करना चाहते हैं या आपको जो भी है आपकी इच्छा वो पूरी करना चाहते हैं, अगर उस टाइम पे आप करेंगे तो आपको जल्द ही जल्द लाभ होगा। दोस्तों वो रात्रि का समय बहुत अच्छा होता है, तो रात्रि का समय है 9:15। अगर रात्रि के 9:15 पर आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपको उसमें जल्दी सफलता मिलती है। अगर जिस व्यक्ति को रोग हो या जिसके घर में कोई रोगी हो, बीमार हो, वो हॉस्पिटल में पड़ा हो, नहीं ठीक हो रहा हो, भारी बीमारी से ग्रसित हो, उसे उस बीमारी से छुट्टी नहीं मिल रही है, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो अगर आपके घर में हो उस पर, अगर नहीं है तो मंदिर जाकर के आपको थोड़ा सा उपाय करना है। वो उपाय है आपको मंदिर जाकर के या फिर अपने घर में जो शंकर भगवान की शिवलिंग होगी उस पर थोड़ा सा जल लेना है आपको अपने हाथ में और उसमें आंवला डालना है और आंवले के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करना है। उसके बाद जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम ले करके आपको ये करना है। एक दिन दो दिन आप करोगे और अगर वो हॉस्पिटल में है तो जल्द ही डिस्चार्ज होकर घर में आ जाएगा, अगर वो घर में ही तो उसका जल्द से जल्द रोग समाप्त हो जाएगा।